तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेकर के माइनक्राफ्ट पॉकेटसन के ऊपर गाइस। तो आज की वीडियो में लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए माइनक्राफ्ट पॉकेटसन में बेंटेन ओमनीट्रिक्स वर्जन 3 गाइस। तो गाइस, इस वर्जन में आप लोगों को 5 नए एलियन दिखने वाले हैं बेंटेन के और 3 नए बॉस दिखने वाले हैं गाइस। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहेगा, मैं बताऊंगा कि क्योंकि इस वर्जन में थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं कि इसमें आप लोगों को कुछ अलग अलग टाइप की यहाँ पे पावर मिल गई है बेंटेन के, लेकिन आप लोग उसको यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक कमांड देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप लोग उस पावर का यूज कर सकते हो। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा क्योंकि मैं वो सारे कमांड बताऊंगा जिससे आप लोग उस पावर का यूज कर सकते हो, और कि कौन कौन सी पावर है, इसको कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगा गाइस। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा गाइस। और गाइस, आज का शॉर्ट आउट जाता है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इन भाइयों को गाइस। तो देख सकते हो इन भाई भाइयों को, अगर आपको शॉर्ट आउट में नाम नहीं आया गाइस तो आज फिर से ट्राई कीजिएगा, आज फिर से आपको कोड मिल जाएगा। तो उनको कमेंट कीजिएगा गाइस, और जिनका कमेंट अच्छा लगेगा उसको मैं ले लूंगा गाइस। तो गाइस, अगर मैं आपको बता दूंगा गाइस कि ये मोड मैंने नहीं बनाया है, ये कमांडर कीपर ने बनाया गाइस, तो उनका आप लोगों को मिल जाएगा वेबसाइट का लिंक। तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक नहीं दे सकता क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये डायरेक्ट लिंक यूज़ नहीं करने, क्योंकि उससे मुझे कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है गाइस। इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आपको कुछ लिंक अगर आप लोग चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वहाँ से डाउनलोड नहीं होता गाइस, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर डिस्कॉर्ड पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर डायरेक्ट लिंक इसकी देने का कोशिश करूँगा। वहाँ पर आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिंक मीडिया फायर की दे दूँगा गाइस। वहाँ पर आप लोग सिंपली जाकर के इंस्टॉल कर सकते हो अपने माइनक्राफ्ट में, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद उसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। एमसीआर ऑन होने वाला गाइस, ठीक है गाइस। तो आप लोग मुझे, अगर आप लोग चाहते हो डायरेक्ट फाइल गाइस, तो मैं आपको दे दूंगा इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड में, आप लोग बस मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और ना आप लोग चाहो तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर वेबसाइट का, तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो एड वाली लिंक से गाइस। तो सबसे पहले आप नया वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं गाइस, सर्वाइवर से क्रिएटिव कर लीजिएगा। यूज एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले ऑन करना मत भूलिएगा गाइस। माय पैक में जाएगा रिसोर्स पैक के, और यहाँ पर आपको दीजिएगा बेंटेन ऑड ऑन वर्जन 3 रिसोर्स पैक, इसको कर दीजिएगा आप लोग एक्टिव। और बिहेवियर पैक में जाएगा गाइस, यहाँ पे भी आपको जाना माय पैक में, और यहाँ पे आपको जाकर के बेंटेन ऑड ऑन वर्जन 3 बिहेवियर पैक, इसको भी एक्टिव कर लीजिएगा गाइस। आप देख सकते हो ये कमांडर कीपर ने बनाया गया गाइस, तो इसको हम लेते हैं क्रिएट वर्ल्ड गाइस। तो यहाँ पे वर्ल्ड हो रहा है गाइस क्रिएट, तब तक कर ले थोड़ा सा वेट। तो गाइस, अभी आप लोग हो चुके स्पॉन, आप लोग देख सकते हो कुछ यहाँ पे चैट वगैरह में लिखा रहा है कि जब यहाँ से मेट्रॉइड गया था, कुछ यहाँ पे स्टेप पर बोल जाता है गाइस, तो उसको छोड़ो। और गाइस, अगर आप लोग क्रिएटिव में हो तो आप लोग सीधा मंगा सकते हो ऑमनीट्रिक्स। जैसे यहाँ पे मुझे ऑमनीट्रिक्स मिल गया, और ये वाला ऑमनीट्रिक्स का बॉल भी मिल गया गाइस, जिसमें अंदर ऑमनीट्रिक्स रहता है गाइस। इसको क्लिक करोगे आप लोग को ऑमनीट्रिक्स निकल जाएगा, तो काफी अच्छा एनिमेशन है ये सारी चीजें गाइस। आप लोगों को मैं बता दूंगा इसको सर्वाइवल में भी क्राफ्ट करने की रेसिपी, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा गाइस। आप लोग जो चीज स्टेप से रखोगे तो आप लोग ऑमनीट्रिक्स को ले भी सकते हो गाइस। अब मैं बताऊंगा आपको इसमें एलियन कौन कौन से ऐड है, उसके पावर का कौन कौन सा गाइस, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ स्टेप्स प्लेस करके गाइस। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वाइल्ड मथ फोर आर्म ग्रे मैटर एक्सेलरेट अपग्रेड, यहाँ पे डायमंड हेड ड्राइव जॉस स्टिंग फ्लाई घोस्ट फ्रीक गैनन बोट हीट ब्लास्ट, और यहाँ पे देख सकते हो नए मूव, यहाँ पे एलियन ऐड है डिट्टो आई गाई, और यहाँ पे वाइंड वाइन, और यहाँ पे बेन मम्मी और बेन वुल्फ गाइस। ये 5 नए एलियन ऐड कर दिए गए गाइस इसमें। बाकी मैंने जितने पीछे एलियन बताए थे आप लोगों को, वो सारे मैंने पहले ही किसी एक और वीडियो में मैंने उनको कवर कर चुका हूँ गाइस। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हो जाकर के, वाला भी वर्जन है वर्जन 2000 का गाइस, तो उसको मैंने बना चुका हूँ वीडियो पहले ही गाइस। तो आप लोग मैं दिखा देता हूँ नए नए एलियन यहाँ पे, और नए नए बॉस जो आए गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं बेन के एलियन जितने हैं। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डिट्टो दिख जाएगा आपको, बेन मम्मी दिख जाएगा, बेन वुल्फ मिल जाएगा, वाइल्ड वाइन मिल जाएगा। यहाँ पे बस मुझे आएगा नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आपको आएगा चाहिए तो यहाँ पे सर्च मार लीजिएगा आप लोग आएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको ई वाई आई आएगा। आपको देख सकते हो यहाँ पे मुझे मिल चुका है, तो यहाँ पे आएगा भी मिल चुका है। यहाँ पे मैं आपको नए बॉस भी दिखा देता हूँ। तो 3 नए बॉस ऐड किए गए गाइस, पहले तो इसमें और थे, पहले से ही केविन 11 था, जैसे यहाँ पे बिल गेट्स था, लेकिन अब इसमें और भी बॉस ऐड कर दिए, जैसे यहाँ पे मम्मी वाली बॉस थी एक, उसके बाद आप लोग यहाँ पे घोस्ट फ्लिक वाला बॉस भी दिख जाएगा, और यहाँ पे बेन का वुल्फ, यहाँ पे वेयर वुल्फ का भी बॉस मिल जाएगा गाइस। यहाँ 3 नए बॉस ऐड कर दिए गए गाइस, तो देख सकते हो गाइस इसका भी काफी ज्यादा एचपी है गाइस। तो मैंने अभी बेन का वुल्फ और ये वेयर वुल्फ के दोनों को साथ लड़ा दिया गाइस। तो गाइस यहाँ से, यहाँ पे देख सकते हो बेन तो अपना हार चुका है गाइस, लेकिन वेयरवुल्फ में काफी ज्यादा ताकत है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं मम्मी को भी स्पॉन कर दिया हूँ, और यहाँ पे इविल घोस्ट फ्रीक गाइस, यहाँ पे देख सकते हो ये तीनों यहाँ पे नए नए बॉस है गाइस जो कि यहाँ पे ऐड हुए गाइस। मैं आपको दिखा दिया हूँ तीनों के तीनों बॉस। तो इविल घोस्ट फ्रीक को आपको थोड़ा सा यहाँ पे काफी तगड़ा मूव है गाइस, जिसका आप लोग काफी ज्यादा डैमेज दीजिएगा। तो यहाँ से थोड़ा दूर चलता है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नए नए एलियन भी गाइस। यहाँ थोड़ा सा मैं दूर आ गया उन लोगों से, क्योंकि वहाँ पे जो रहूंगा तो स्पॉन कर मुझे अभी तो हो जाएगा मुश्किल गाइस। तो यहाँ देख सकते हो वाइल्ड वाइन हो गया, यहाँ पे आएगा ही है गाइस, यहाँ पे बेन वुल्फ है गाइस, और यहाँ पे दिखाता हूँ डिट्टो गाइस, और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ एक लास्ट मूव जो कि अपना बेन मम्मी गाइस। तो ये देख सकते हो यहाँ 3 मैंने 5 को 5 यहाँ पे स्पॉन कर दिया। आप मैं बताऊंगा इनको पावर किस तरह यूज करना गाइस, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कमांड ऐड कर दिए गए इसके पावर यूज करने के लिए गाइस, क्योंकि अगर आप लोग इसको ट्रांसफॉर्म होते हो तो आप लोग इसके पावर यूज नहीं कर सकते गाइस। तो मैं बताता हूँ किस तरह से आपको ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किस तरह से पावर यूज करना गाइस। सबसे पहले हम लोग नए एलियन की ओर जाता है गाइस। मैं बाकी पीछे का सारे एलियन मैंने पहले ही टेस्ट करके रख लिया गाइस, आप लोग मेरी वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा गाइस। आपको जस्ट एलियन को सिलेक्ट करना है और होल्ड करके रखना गाइस, उसके बाद आप लोग को क्राउच हो गए गाइस, आपको दीजिएगा ये डिटो गाइस। तो ये
डिटेल से आप लोग क्या कर सकते हो, अपना क्लोन निकाल सकते हो। जैसे ही आप लोग क्रॉच हो गए यहाँ पे क्लोन हो जाएगा गाइज। तो ये वाला तो सिंपल है गाइज, इसमें आपको कोई कमांड देने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपका काम करेगा। लेकिन बाकी का आगे जो एलियन आएंगे, बाकी के 4 एलियन जो, उसमें आपको कमांड देना पड़ेगा उसको यूज करने के लिए गाइज। ये डिटेल में आप लोग अपना क्लोन बना सकते हो जितना चाहे उतना गाइज। जस्ट आपको क्रॉच होना, क्रॉच होने के बाद आपका क्लोन बनते जाएगा गाइज। देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे मैंने क्लोन बना दिया गाइज। अब चलते हैं अगले एलियन को गाइज। अगर आपको अनट्रांसफॉर्म होना तो आप एक लिख सकते हो कमांड जिसका नाम है स्लैश फंक्शन। और यहाँ पे आपको स्लैश फंक्शन लिखने के बाद अनट्रांसफॉर्म लिखना गाइज। जैसे आप लोग अनट्रांसफॉर्म लिखोगे आप लोग यहाँ से अनट्रांसफॉर्म हो जाएगा गाइज, वरना आपको बैटरी का डाउन होने का इंतजार करना पड़ेगा गाइज। यहाँ पे मैं देख सकते हो चुका हूँ अनट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे ऑमनेटिक चार्ज होना शुरू हो चुका है गाइज, देख सकते हो। और मेरा हो चुका है ऑमनेटिक चार्ज। आप नया एलियन बना के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगला एलियन बनते हैं जो कि अपना क्या है गाइज, डिट्टो हो गया गाइज। आपका अगला एलियन अपना आएगा गाइज, तो आएगा काफी मस्त एलियन मुझे लगता है क्योंकि इसकी पावर काफी मस्त है गाइज। तो आपको मैं दिखाता हूँ इसकी पावर किस तरह यूज करना गाइज। तो पावर आपको इसका यूज करना गाइज, सबसे पहले आपको देखो क्राउच हो रहा हूँ मैं, फिर भी इसका कोई पावर यूज नहीं हो रहा गाइज, आप लोग देख सकते हो गाइज। अब आपको एक कमांड डालनी पड़ेगी जो कि है यहाँ पे, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे स्लैश फंक्शन, और उसके बाद आपको एक नया चीज लिखना पड़ेगा जो कि अपना एनर्जी। तो एनर्जी भी बिगर और स्मॉलर दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। अगर बिगर लिखोगे तो ज्यादा डैमेज होगा, स्मॉलर लिखोगे थोड़ा कम डैमेज वाला बीम निकलेगा। तो मैं बिगर ले रहा हूँ गाइस, तो यहाँ पे बिगर आप लोग लिख सकते हो, आप लोग स्मॉलर भी लिख सकते हो। इस तरह से लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे जब क्रॉस हो गए तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बीम निकलना शुरू हो जाएगा गाइस। देख मैं दिखाता हूँ इसका कितना ज्यादा डैमेज है गाइस। तो मैं यहाँ पे एक एक यहाँ पे आपको एनिमी स्पॉन करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं उसका डैमेज दिखाता हूँ कितना ज्यादा गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बेन वुल्फ मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कर देता हूँ स्पॉन। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे बेन का वुल्फ स्पॉन कर दिया गाइस, और मैं इस पर रे मारता हूँ गाइस। देखो कितनी जल्दी यहाँ पे ये मर चुका गाइस, तो देख सकते हो कितना ज्यादा ये हो चुका है गाइस। अगर हम लोग बिगर स्मॉलर लेते तो थोड़ा कम ही डैमेज देता है गाइस, यहाँ पे हो चुका काफी स्पीड में। अगर आप लोग किस इस टाइप की इसकी बीम को ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपको काफी जल्दी खत्म हो जाएगी बैटरी गाइस, याद रखिए गाइस। तो अभी मेरा हो चुका फिर से बेंटेन ऑमनेट्रिक्स रिचार्ज। अब यहाँ पे बनते हैं हम लोग वाइल्ड वाइन गाइस। तो देख सकते हो मैं बन चुका हूँ वाइल्ड वाइन। अब वाइल्ड वाइन में आपको मिलेगी 4 पावर गाइस, लेकिन अब देख सकते हो क्रॉच होने पर कोई पावर यूज नहीं होती है गाइस। तो मैं सबसे बता देता हूँ चारों के चारों पावर किस तरह से यूज करना गाइस। सबसे पहले आपको एक नया कमांड लिखना पड़ेगा स्लैश फंक्शन, उसके बाद एक स्पेस देना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा डब्ल्यू भी, और एक यहाँ पे अंडरस्कोर दे करके आपको लिखना पड़ेगा सीड्स। यहाँ पे पहला ये वाला सीड्स आपको लिखना है, सीड SCWES। सीड्स लिखने के बाद आपको देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही क्रॉच हो गए यहाँ पे सीड निकलेगा अंदर से, और जो कि होगी ब्लास्ट गाइस। तो देख सकते हो कुछ स्टेप का पहला अटैक है गाइस, और मैं आपको बाकी का 3 अटैक दिखा देता हूँ किस तरह से यूज करना है। उसका भी करना पड़ेगा आपको स्लैश फंक्शन, और उसके बाद फिर आपको एक यहाँ पे स्पेस दे करके डब्ल्यू भी लिखना है, और एक अंडरस्कोर देना है, उसके बाद लिखना आपको यहाँ पे ट्रैप TRA पे ट्रैप। लिखने के बाद आपको यहाँ पे इसको कर देना सेलेक्ट, ये ट्रैप फेंकेगा। ट्रैप फेंकने के लिए आपको कोई मूव होना चाहिए सामने, जैसे कि यहाँ पे कोई मूव आपको यहाँ पे देख सकते हो एंडरमैन आया। जैसे मैंने ट्रैप फेंका यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ लिप्स के अंदर अटक चुका है गाइस, टेलीपोर्ट हो गया अपना एंडरमैन, लेकिन यहाँ पे ज़ॉम्बी को मैंने अटका दिया देख सकते हो अंदर की ओर। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने किस तरह से अटका दिया गाइस। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले अटैक की ओर। अगला अटैक आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, स्लैश फंक्शन लिखना पड़ेगा, उसके बाद डब्ल्यू भी लिखना है आपको, और उसके बाद एक अंडरस्कोर लगा करके आप लिखना है वाइन सर्कल गाइस। यहाँ पे वाइन्स लिखते हैं, अंडरस्कोर लगा के सर्कल लिख देते गाइस आप सर्कल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वाइन स्कोर सर्कल गाइज। तब मैं दिखाता हूँ क्या होता है गाइज इससे। इससे मैं सबसे पहले आपको जॉम्बी स्पॉन करता हूँ गाइज, और जैसे ही आप लोग स्क्रीन पे होल्ड करोगे, स्क्रीन पे होल्ड करना है आपको ना कि क्रॉच होना गाइज। स्क्रीन पे होल्ड करोगे यहाँ पे देख सकते हो वाइन सर्कल निकलेंगे कुछ इस टाइप के गाइज। देख सकते हो पूरी तरह से सर्कल टाइप का बना रहेगा, यानी कि आपके आसपास में जितने मूव होंगे सभी सभी मर जाएंगे, आपके आसपास में जितने एरिया होंगे मूव इस सर्कल के अंदर जो भी मूव होंगे वो सारे मर जाएंगे। अब चलते हैं अगले अटैक की ओर। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा स्लैश फंक्शन डब्ल्यू बी, और एक अंडरस्कोर लगा करके लिखना पड़ेगा आपको वाइन्स लाइन। यहाँ पे वाइन्स अंडरस्कोर लाइन लिखना पड़ेगा आपको, ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये स्टेप। फिर से आप लोग यहाँ पे जॉम्बी स्पॉन करता हूँ, अब फिर से आपको स्क्रीन पे होल्ड करना है। जैसे ही इसको स्क्रीन पे होल्ड करोगे कुछ इस लंबा से एकदम लाइन निकलेगा घासों का, और जो कि काफी तगड़ा वाला डैमेज देता है, देख सकते हो कितना ज्यादा तगड़ा डैमेज दे रहा है। तभी मेरा यहाँ पर ऑमनेटिक्स की बैटरी हो गई डाउन, इसको रिचार्ज होने देते हैं। देखिए जब हो चुका है रिचार्ज गए, तो आप बनते अगला यहाँ पे बन जाते गाइस एलियन। तो अगला एलियन हमारा अपना बेन मम्मी गाइस, तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे बेन मम्मी जल्दी से। ये देखो गाइस बेन मम्मी इसमें हो गया ट्रांसफॉर्म गाइस, तो इसकी काफी ज्यादा स्पीड है, प्लस यहाँ पे जंप बूस्ट आपको काफी अच्छा तगड़ा वाला मिलने वाला है। देखो ये कितना स्पीड जा रहा है, और यहाँ पे जंप बूस्ट भी है काफी अच्छा गाइस। अब मैं बताता हूँ इसकी पावर काफी अलग टाइप की दी गई है गाइस, मुझे ये समझ नहीं आता इसका पावर क्यों दिया गया गाइस। तो यहाँ दिखाता हूँ क्या इसकी पावर, तो गाइस ये कर सकता है। सो अगर आपको ऑन करना है इसकी पावर को, तो आपको सबसे पहले एक चीज लिखनी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा स्लैश फंक्शन। स्लैश फंक्शन लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनेबल डिसेबल, आप लोग चाहो तो इनेबल करने के लिए आपको इनेबल लिखना पड़ेगा, डिसेबल करने के लिए डिसेबल लिखना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इनेबल, और यहाँ पे इनेबल करने के बाद आपको एक अंडर स्कोर लिखना पड़ेगा, अंडर इनेबल अंडर स्कोर। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ब्लॉक अंडर स्कोर ब्रेकिंग, तो यहाँ पे ब्रेकिंग लिख देना आपको, जिसके बाद आप लोग कोई भी ब्लॉक तोड़ोगे तो देख सकते हो यहाँ पे ब्लॉक आप लोग तोड़ सकते हो एक हैंड के मुक्के में गाइस। देखो यहाँ पे कबल स्टोन थे, यहाँ पे मैं तोड़ के दिखाता हूँ गाइस जिस स्टेप से। यहाँ पे जैसे ही आप लोग पंच मारोगे यहाँ पे ब्लॉक टूटेगा गाइस। तो यहाँ पे ये देखो कैसे स्टेप से तोड़ सकते हो आप लोग कुछ स्टेप से, पंच जैसे ही मारोगे आप ब्लॉक टूटेगा गाइस। तो उसके बाद आप लोग इसको अगर किसी को मारना चाहते हो गाइस, तो आप लोग को डिसेबल करना पड़ेगा इसको, ठीक है गाइस। उसके बाद चलते हैं अपने लास्ट एलियन के गाइस, जो कि अपना बेन वुल्फ है गाइस। तो मैं दिखाता हूँ ये लास्ट एलियन है, उसके बाद खत्म हो जाता हूँ। यहाँ पे चलते हैं बेन वुल्फ बन जाते हैं गाइस, यहाँ पे जल्दी से चुन लेते हैं यहाँ पे बेन वुल्फ गाइस।
इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं गाइस। और इसकी भी एक ताकत है गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ उसको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे सबसे पहले दिखा देता हूँ इनेबल करने के लिए आपको एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि है अपना, यहाँ पे लिख लेते हैं स्लैश फंक्शन। और यहाँ पे आपको स्लैश फंक्शन लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सोलर हॉट लिखने से पहले आपको इनेबल इसको भी करना पड़ेगा गाइस। इनेबल लिख लेते हैं यहाँ पे इनेबल अंडरस्कोर लिख करके आपको लिखना पड़ेगा सोनिक हाउट। तो यहाँ पे सोनिक अंडरस्कोर हाउट, तो ये लिखने के बाद आपको मिल जाएगा हाउल गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो काफी अभी यहाँ पे मैं गैसिंग क्राउच करूंगा, यहाँ पे हाउल निकलेगा गाइस जो किसी को भी मार सकता है गाइस। तो मैं यहाँ पे एक वेयर वुल्फ भी यहाँ पे वेयर वुल्फ स्पॉन कर देता हूँ गाइस, तो उसको डैमेज करके दिखाता हूँ गाइस। देख सकते हो यहाँ पे इसकी डैमेज हो रहा है गाइस, आई गाइस से थोड़ा कम ही डैमेज है लेकिन यहाँ पे इसको भी डैमेज हो रहा है काफी अच्छा वाला, और बहुत जल्दी तगड़ा मर चुका गाइस। अभी हम लोग सर्वाइवल में नहीं थे इसलिए हमें मारा नहीं गाइस। अब मैं बताता हूँ इसकी क्राफ्टिंग रेसिपी गाइस, अगर सर्वाइवल में क्राफ्ट करना चाहते हो क्या करना पड़ेगा गाइस। आपको चाहिए वो रेडस्टोन, आयरन और एमरल्ड, कुछ इस टाइप से रेडस्टोन रखना है और आयरन कुछ इस टाइप से रखना है। जैसे ही रखोगे आपको मिल जाएगा ऑमलेट, कुछ इस टाइप से सिंपली बना सकते हो आप, तो काफी ईजी है सर्वाइवल में इसको बनाना गाइस। अब मैं आपको बता देता हूँ गाइस, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो काफी सारे यहाँ पे घोस्ट भी आपको दिखा देंगे, बॉस भी देख सकते हो, मैंने पहले ही दिखा दिया गाइस। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा गाइस, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस, और यहाँ पे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके गाइस। और गाइस अगर आपको इसका डाउनलोड लिंक चाहिए तो गाइस आप लोगों को मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको वेबसाइट की लिंक जिसमें काफी सारे एड्स होंगे, लेकिन गाइस आप लोग वहां से चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो ऐड वाले अगर लिंक अगर आपको स्किप करना आता है तो आप लोग कर सकते हो वहां से डाउनलोड। अगर आपको नहीं आता गाइस तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर डिस्कॉर्ड पर मैसेज कर सकते हो गाइस, मैं वहाँ पे आपको डायरेक्ट मीडिया फायर की लिंक दे दूंगा गाइस, वहां से आप लोग सीधा डाउनलोड कर लीजिएगा गाइस। ठीक है गाइस, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन मेरे इंस्टाग्राम की और डिस्कॉर्ड की भी गाइस। गाइस तो मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।